जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे यूहन्ना बत्तीसवां देने वाले की हत्या, 5,000 पुरुषों को खिलाना और यीशु का पानी पर चलना, और अंत में हम देखेंगे गनेत्रस में रोगियों को चंगा करना। तो आइए शुरू करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय की पहली आयत से, और यूहन्ना बत्तीसवां देने वाले की हत्या के बारे में इसमें बताया गया है। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। तो यहाँ पर जो चौथाई देश लिखा है, इसका मतलब है कि हेरोदेस जब राजा था और जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसका जो देश है वो चार हिस्सों में बट गया था, और उसी में से एक हिस्सा था उसकी चर्चा यहाँ पर है। और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुए से जी उठा, इसलिए उससे सामर्थ्य काम प्रकट होते हैं। यीशु के बारे में जब इस राजा ने सुना, हेरोदेस जो राजा है, चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने जब इसकी चर्चा सुनी यीशु के बारे में, तो उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुए से जी उठा है, इसलिए यीशु मसीह है, उसके अंदर से सामर्थ्य के काम वो जो है वो प्रकट होते हैं। तीसरी आयत से लिखा है, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदेसिया के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर वह लोगों से डरता था क्योंकि वह उसे भविष्यवक्ता मानते थे। और छठी आयत से हम देखते हैं, पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदेसिया की बेटी ने उत्सव में नाच गाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी पत्नी के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहाँ मुझे मंगवा दे। राजा दुखी होया, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण है आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेज कर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और जिसे वह अपनी माँ के पास ले आई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसकी शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि हेरोदेस राजा ने वो है यूहन्ना है उसका सिर है वो कलमबद्ध करवा दिया, क्योंकि वो अपने दरबार में बैठा हुआ था और उसका जन्मदिन था, तो उसकी लड़की ने नाच गाकर डांस दिखाकर हेरोदेस राजा को खुश कर दिया, और हेरोदेस ने खुशी खुशी कहा कि जो कुछ तो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तो उस लड़की ने कसम खाई, खिलवा ली अपने पापा से कि जो मैं मांगू वही देना पड़ेगा, और उसने यूहन्ना का सिर मांग लिया, क्योंकि उस लड़की की माँ है वो उसकी इच्छा थी कि यूहन्ना है बपतिस्मा देने वाला है उसका सिर कलम बद्ध कर दिया जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से यूहन्ना की मृत्यु है वो हो जाती है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब चेलों को इसकी खबर मिलती है तो वो उसके शव को आकर ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं एक बड़ा चमत्कार जो कि इस मसीह के द्वारा किया गया था, और वो था 5,000 लोगों को खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। यीशु मसीह को जब इस घटना का पता चला तो वो इस जगह से किसी सुनसान जगह पर चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। और जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह किसी सुनसान जगह पर जा रहे हैं, तो लोग है वो पैदल ही उसके पीछे हो लिए। और यीशु ने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस आया, उनके बीमारों को चंगा किया। जब यीशु मसीह ने देखा कि वो किसी सुनसान जगह पर जा रहे हैं और किसी से नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी भीड़, बहुत बड़ी भीड़ लोगों की अपने पीछे देखी, तो इतनी बड़ी भीड़ को देखकर यीशु मसीह को उस भीड़ पर बड़ा तरस आया, और जिन बीमार लोगों के साथ वे भीड़ के लोग थे उनमें से बहुत से बीमार लोगों को यीशु मसीह ने उन पर तरस खाकर उन्हें चंगा कर दिया। और 15वीं आयत से लिखा है, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। तो यहाँ पर देखते हैं कि शाम का वक्त हो गया, क्योंकि बड़ी भीड़ थी और यीशु मसीह लोगों को चंगा भी कर रहे थे, और पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई, और एक बहुत सुनसान जगह थी। तो ऐसे में जब दिन ढलते देखा चेलों ने, तो यीशु मसीह के पास जाकर बोलते हैं कि सर जी,
अब तो रात होने वाली है, तो अब इस मीटिंग को समाप्त कर दिया जाए आप कहो तो, और लोगों को यहाँ से विदा करें कि आसपास कहीं बस्ती में जाकर अपने लिए खाना मोल लें और सोने का या फिर अपने लिए आगे का प्रबंध करें। इस पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना जरूरी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि उनका जाना भाई कई जरूरी है, तुम ही इन्हें खाने को दो। यीशु मसीह ने कहा तुम ही दो इसको खाने के लिए, इनको सिर्फ इसलिए क्यों भेजें कि इनको खाना खाना है, खाना तुम दो इनको। तो यीशु के चेलों ने यीशु से कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। तो वो बोले जी हम कहाँ से खाने के लिए दें, हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी हैं और 2 ही मछली हैं। तो यीशु ने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तो यीशु ने उनको कहा भी मेरे पास ले आओ उनको 5 रोटियों और 2 मछलियों को। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और सड़क की ओर देख कर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को लिया, सड़क की ओर देखा और धन्यवाद किया, प्रार्थना किया और उसके टुकड़े तोड़ तोड़ कर चेलों को देता रहा, और चेले हैं वो लाइन में जो लोग खाना खाने के लिए बैठे थे उनको देते रहे। तो धन्यवाद के साथ जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो कितना बड़ा चमत्कार हुआ, और हम भी जब धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं तो बड़ा चमत्कार होता है कि देखो यहाँ पर सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से कितने सारे लोग हैं वो एक साथ खाना खा रहे हैं। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, सबके सब ने खाना खा लिया तो 12 टोकरियां रोटियों की खाने की और भी बच गई, और खाने वाले स्त्रियों और बाल बच्चों को छोड़कर 5,000 पुरुष के लगभग थे। वो खाने वालों की संख्या यहाँ देखें तो यहाँ पर 5,000 पुरुष है वो लिखा है, और इसमें बच्चों की और स्त्रियों की संख्या शामिल नहीं है। यदि 5,000 स्त्रियां और जोड़ दी जाए और 10,000 बच्चे और जोड़ दिए जाए तो ये खाने वालों की संख्या 20,000 के करीब हो जाती है। यानी एक ही समय पर सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से परमेश्वर की पावर से यहाँ पर 20,000 आदमी एक साथ खाना खा रहे हैं। इतने पावरफुल, इतने चमत्कारी परमेश्वर है, और इसीलिए इस दुनिया का एकमात्र सच्चा परमेश्वर है वो यीशु मसीह है। और आइए हम आगे 22वीं आयत में चलते हैं, और यहाँ पर है यीशु का पानी पर चलना। जब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे, तो वह अपने चेलों को बोला भाई तुम तो नाव के ऊपर बैठ के और निकल लो, और मैं इनको, ये जो बंदे आए हुए हैं यहाँ पर इतनी भीड़ आए हुए हैं, मैं इनको विदा करता हूँ। तो वो बोले जी हम भी रुक जाते हैं। ना, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं, तुम तो जाओ नाव में बैठो और चलो, मैं बस ये आया तुम्हारे पीछे पीछे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। उसने लोगों को विदा किया इस मसीह ने, और पास में एक पहाड़ था उसके ऊपर प्रार्थना करने के लिए चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला ही था। सब भीड़ चली गई, सब चेले भी चले गए, तो वहां पर उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह अकेला ही प्रार्थना कर रहा था। तो यहाँ पर हम भी यदि हमारे परिवार के साथ या फिर एक बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो थोड़ी देर एकांत में परमेश्वर के लिए वक्त निकाल सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, जिस प्रकार की यीशु मसीह ने यहाँ पर समय निकाला। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और चेले जब निकल लिए और जब बीच में चले गए झील के, तो बीच में जाने के बाद तेज हवा चल रही थी तो नाव है वो डगमगाने लगी और बुरी तरह से लड़खड़ाने लगी, और यीशु रात के 4th पहर झील पर चलते उनके पास आया। जब ऐसा हो रहा था, किश्ती उनकी डगमगा रही थी, तो यीशु रात के 4th पहर उनके पास पहुंचा, पैदल चलते हुए उनके पास पहुंचा। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। जब उन्होंने देखा पानी पर चलता हुआ कोई हमारे पास आ रहा है तो चेले घबरा गए और कहने लगे तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढांढस बांधो मैं हूँ, डरो मत। यीशु मसीह बोला क्यों डरने लग रहे हो, कोई भूत थोड़ा है, मैं हूँ। पत्रस ने उनको उत्तर दिया
हे प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। पतरस बोला जे आप यीशु मसीह हो तो ठीक है, फिर मैंने भी जाल दे, मैं भी तेरे पास आता हूँ पानी पर चल के। तो यीशु ने उनसे कहा यीशु बोले आ जा भाई, तू क्यों डर है, तू भी आ जा। तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तो फिर पतरस वो नाव से उतर कर पानी पर चलकर यीशु के पास जाने लगा। मान लो यीशु मसीह नाव से 20 फुट दूर खड़े हैं पानी के ऊपर, और पतरस किश्ती में से उतर कर यीशु के पास पानी पर चलकर जाने की कोशिश करने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। तो जैसे ही उसने पानी के ऊपर पांव रखा तो उसने हवा को देख लिया। हवा को आज तक किसी ने नहीं देखा, महसूस कर सकते हैं सभी हवा लेकिन दिखाई नहीं देती, लेकिन पतरस ने जब हवा को देखा तो फिर डर गया। तो यानी कि कुछ चीज़ें हैं हम नहीं देखें तो ही ठीक है। पतरस ने हवा को देखा और डर गया, ठीक है, वो पानी में डूबने से नहीं डरा था बल्कि हवा को देखकर डर गया। कोई हवा का ऐसा ही भयंकर रूप उसने देखा हुआ। 30वीं आयत में हम पढ़ रहे हैं, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। हवा को देखकर डर गया तो उसका सारा बैलेंस खत्म हो गया, वो सब कुछ भूल गया कि पानी में चल के जाना है। जब वो डूबने लग गया तो चिल्लाया हे प्रभु मुझे बचा। इसने तुरंत हाथ आगे बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। तो यीशु मसीह जब वो डूबने लगा तो उसका हाथ बढ़ा के खींच लिया अपने पास और बोला भाई तने विश्वास क्यों नहीं किया कि तू चलकर सीधा मेरे पास आ जाएगा और नहीं डूबेगा, तूने शक किया इसलिए डूब गया। इसलिए शक है वो डिबो देता है, चाहे ये हम बाइबल से संबंधित बातें हों या फिर सांसारिक बातें हों या कुछ भी हो, जहाँ शक आता है तो वो फिर नरक की ओर ही लेके जाता है, बर्बाद कर देता है। रिश्तों में भी देखा हो आपने, रिश्ते बहुत मधुर रिश्तों में जब थोड़ा सा शक एक बार घुस जाता है तो वो रिश्ते बर्बादी की ओर चले जाते हैं। इसी प्रकार शक चाहे जहाँ घुस जाए उस चीज़ को बर्बाद करके छोड़ता है, घुन करके छोड़ता है। तो यहाँ पर शक की वजह से पतरस है वो पानी में डूबने लगा था। जब वे नाव पर चढ़ गई तो हवा थम गई। जब यीशु मसीह पतरस को लेकर नाव पर चढ़ गया तो हवा भी थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो जितने भी नाव के ऊपर थे सब ने उसे मुझसे को प्रणाम किया और कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार दूसरा हुआ था। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था और अभी थोड़ी देर बाद ही वो पानी पर चल कर आ रहे हैं। तो थोड़े से समय के अंदर ही इन्होंने 2 बड़े चमत्कारों को देखा तो कहने लगे कि सचमुच ही तू परमेश्वर का पुत्र है। और इस अध्याय के हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं और यहाँ पर 34वीं आयत से लिखा है गत्रेस में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतर कर गत्तेसरत में पहुंचे। गत्तेसरत एक नगर का नाम था, वहाँ झील से पार उतर कर गत्तेसरत नगर में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमार उसके पास आए। तो गत्तेसरत के लोग हैं, उन्होंने बहुत चर्चा सुनी थी यीशु मसीह की। जब वो गत्तेसरत में गए तो वहाँ के लोगों ने उसके पहचान लिया कि तो यीशु मसीह है। उन्होंने सारे देश के अंदर ढिंढोरा पिटवा दिया कि गत्तेसरत आसपास के सारे देशों में, प्रदेशों में, शहरों में कि यीशु मसीह आए हैं। और बहुत सारे लोग बड़े भारी तादाद में यीशु मसीह के पास बीमारों को लेकर आए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे। जितने ने उसको छुआ चंगा हो गया। सारे ने बोले भाई यीशु मसीह आपको कष्ट नहीं करना हमें ठीक करने के लिए, बस आपके वस्त्र को ही छूने दे, हम ठीक हो जाएंगे। तो जितने लोग थे सारे यीशु मसीह ने मना नहीं किया, सारे बस उस यीशु मसीह के वस्त्र को छूते गए, ठीक होते गए, छूते गए, ठीक होते गए। और आज के अध्याय में हमने जो पढ़ा वो था यूहन्ना 32वां देने वाले के बारे में और 5,000 पुरुषों को खिलाना और यीशु के पानी के चलने के बारे में और गत्तेसरत में रोगियों को चंगा करने वाले में। अगले वीडियो में हम जो कि लेकर आएंगे उसके अंदर हम बात करेंगे 15वें अध्याय की, और 15वें अध्याय में हम देखेंगे अगले वीडियो में परंपरा पालन का प्रसन्न और अशुद्ध करने वाली बातें भी हम देखेंगे कौन कौन सी है, और इसके साथ साथ कन्यानी जाति की स्त्री का विश्वास भी हम देखेंगे और अनेक रोगियों को चंगा करना, और अगले वीडियो में हम 4,000 लोगों को खिलाने के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक भी, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक भी आप परमेश्वर का वचन को पहुँचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं
और यदि आप फेसबुक के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्बा खैर, जय मसीह की।